हेलो बच्चों, मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार। कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का जो पद्य खंड है उसका हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तो पद्य खंड में जो आपकी जो पहला कवि है वो आपके कबीरदास जी हैं। बच्चों, आप हर क्लास में कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हो, कबीरदास जी के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो कबीरदास जी के बारे में हम और थोड़ा जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि जो निर्गुण पंथ था उस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा जो थी बच्चों, वो ज्ञानाश्रय शाखा के अंदर संत काव्य जो था उस संत काव्य के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। और कबीरदास जी निर्गुण पंथ के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। निर्गुण पंथ क्या होता है बच्चों? निर्गुण पंथ वो होता है जहां पर ईश्वर को निराकार रूप में उनका स्मरण किया जाता है। मूर्ति पूजा या किसी भी प्रकार के जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उनका विरोध किया जाता है। वो किसी प्रकार की पूजा नहीं करते हैं। किसी भगवान की जो साकार रूप होता है, साकार मतलब जिसकी कोई आकृति होती है, जिसका रूप होता है, उनको साकार कहा जाता है, सगुण कहा जाता है। तो ये जो कबीरदास जी थे ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ये आत्मा और परमात्मा का मतलब आत्मा और परमात्मा का एक मान करके उनकी स्तुति करते थे, पूजा करते थे। मतलब एक तरीके से मूर्ति पूजा हिंदू और मुसलमान हो चाहे कोई सा भी धर्म हो, उन समस्त धर्म के जो आडम्बर थे, धार्मिक आडम्बर जो थे, उनका सबका इन्होंने विरोध किया है। और ये जो कबीरदास जी थे इन्हें निर्गुण शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है, उसका प्रवर्तक माना जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के ये प्रवर्तक थे। इनके जन्म के बारे में बच्चों कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ माना जाता है, जनश्रुति है। कहा जाता है कि रामानंद जी के एक शिष्य थे, उनकी बेटी थी जो कि विधवा थी। उन्हें एक बार वो उनके जो पिता है वो रामानंद जी के पास में लेके जाते हैं और रामानंद जी उनको आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भवा। एक विधवा स्त्री को जब ये आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से उनके पुत्र भी होता है, क्योंकि बच्चों जब वो जो युग था उस समय साधु संतों की जो बोली होती थी वो फलीभूत होती थी। तो इस प्रकार उस विधवा स्त्री के पुत्र हुआ और वो कबीर थे। उन्होंने लोक लाज के डर से, समाज के डर से उसको लहर तारा नामक जगह, नदी थी वहां पे उनको छोड़ दिया था। और वहां छोड़कर जब वो आ गई थी उसी समय वहां से एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा वहां से निकले जो कि निसंतान थे। उन्होंने जब बच्चे का रोना सुना तो वो वहां पर रुके और वहां उन्होंने आसपास देखा तो कबीर जी उन्हें वहां पर मिले। वो उन्हें अपने साथ ले आए और उनका लालन पालन किया, उनका पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया। तो ब्राह्मण जो थे मतलब उनकी जो विधवा माता थी वो कौन थी? ब्राह्मण थी। तो इस प्रकार उनमें ब्राह्मणत्व के गुण तो ऐसे ही आ गए। फिर दूसरा, वो जो दंपति उन्हें लेके गई थी वो मुसलमान थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच की कड़ी ये बन गए थे। कहने का तात्पर्य ये हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही मानते थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे उनमें। सन 1398 में इनका जन्म माना जाता है और 120 वर्ष की अवस्था में इनका निधन कहाँ हुआ था? मगहर में इनका निधन हो गया था बच्चों। ठीक है, इनकी जब रचनाएं आप देखते हो, इनकी रचनाओं के अंदर कबीर ग्रंथावली है जिसके अंदर बीजक, सबद और रमैनी इन तीन चीजों का संकलन किया गया है। और वो क्या था, इनके शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इनकी जो रचनाएं थी उनका संकलन किया। इन्होंने खुद कहा है बच्चों कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी ये बचपन से अनपढ़ थे। ना तो इन्होंने कागज छुआ था, ना ही इन्होंने स्याही कभी काम में ली थी, ये बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज को प्रेरित किया। सामाजिक बुराइयां जो थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। हिंदू मुसलमानों को जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं आपस में बिना किसी बात के विरोध करते हैं, उन चीजों का इन्होंने डटकर विरोध करा। और मंदिरों का, देवालयों का, मस्जिदों का, काबुल का, काशी का, हर प्रकार से इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा है परमात्मा हमारे स्वयं के दिल में निवास करता है, परमात्मा हमारे पास है, उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ढूंढने वाला ही है तो वो व्यक्ति अपने मन में झांक कर देखे तो उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का जो हमारा पाठ है इसके अंदर देखो, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। मतलब इनकी गृहस्थी थी, ये सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे। इनके कमाल और कमाली नाम के दो बेटे बेटी थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा
महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इनकी जो भाषा है बच्चों, ये नाथ पंथ से प्रेरित थे। नाथ पंथी मतलब जिस प्रकार नाथ पंथ में भगवान की सेवा की पूजा की जाती है, निर्गुण निराकार को भजा जाता है, उसी प्रकार जो कबीरदास जी थे, इन्होंने भी निर्गुण पंथ का जो पालन किया था, निर्गुण रीति का जो इन्होंने माना था, वो नाथों द्वारा ही दी गई थी। नाथों के बताए नक्शे कदम पे चले थे और इन्होंने उनकी शैली को आगे बढ़ाया था। और कबीरदास जी की जो शिष्य परंपरा में दादू दयाल जी थे, उन्होंने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। आचार्य शुक्ल जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, अर्थात पांच प्रकार की भाषाओं को मिला करके अपने अपने काव्य की रचना की है। उसमें अवधी भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें देशी भाषा भी है, ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, मतलब अलग अलग भाषाओं के मेल को मिलाकर के इन्होंने काव्य लिखा। क्योंकि अनपढ़ तो ये थे, आपको पता है, किसी प्रकार की शिक्षा इन्होंने नहीं ली थी, तो इस कारण इनकी भाषा को आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आपके पाठ्यक्रम में जो है वो इनकी साखियां और सवद है, तो पहले हम साखियों का अध्ययन करेंगे। इनकी साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। मैंने साखियां बच्चों, साखिया जो है वो तद्भव रूप है किसका, साक्षियों का। साक्षी यानी जब किसी चीज का हम आंखों देखा वर्णन करते हैं तो साक्षी कहा जाता है। इसलिए इनका तद्भव रूप यहाँ पे काम भी लिया कबीरदास जी ने, साखियां। ठीक है, जिन चीजों का हम प्रत्यक्ष देख करके अनुभव करके इन्होंने ये वो चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाहि। यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारा जो मन है, ठीक है, हमारा मन पहले इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। मानसरोवर रूपी जो समुद्र है, आपको पता है मानसरोवर सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ठीक है, जहां पर भगवान शिव का वास भी माना जाता है कैलाश पर्वत के निकट। तो यहाँ पर उन्होंने मानसरोवर शब्द इसीलिए लिया है क्योंकि मानसरोवर का शब्द जो सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र वस्तु के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मानसरोवर रूपी जो तालाब है, जो झील है, उसका जो जल है वो जल से लबालब भरा हुआ है, मतलब ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें खूब भरपूर मात्रा में जल है। हंसा केली कराही, और उस जल के अंदर हंसा जो है केली कर रहे हैं, अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुभे, वो निर्भय होकर के, स्वच्छंद होकर वहां पर मुक्त होकर के मोतियों का सेवन कर रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और अब उन मोतियों का सेवन करने के बाद में, उस आनंद की प्राप्ति होने के बाद में, वो कहीं पर भी जाना नहीं चाहते, वो वहीं पर रहकर निश्चिंत होकर रहना चाहते हैं। एक अर्थ तो ये था इसका, दूसरे अर्थ में क्या है, दूसरे अर्थ में ये है कि मानसरोवर यानी मन रूपी जो मानसरोवर है वो एक मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, उसके अंदर मन रूपी हंसा जो है, मानसरोवर रूपी झील के अंदर मन रूपी जो हंस है वो खेल रहे हैं, और वो मुक्ति का मार्ग पा करके यानी भगवान की भक्ति में स्वयं को लगा करके, ईश्वर की मतलब परमात्मा को अपनी आत्मा मान करके वो जो भक्ति कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उस स्मरण करने से उन्हें जो मुक्ति रूपी फल प्राप्त हुआ है, जो मोक्ष रूपी फल प्राप्त हुआ है, उस फल को प्राप्त करने के बाद में उनका आप कहीं और मन नहीं लगता, वो किसी भी चीज में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब उनका कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला। प्रेमी कौन, ईश्वर का भक्त। एक ईश्वरीय भक्त दूसरे ईश्वरीय भक्त को ढूंढने निकला, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि भगवान की भक्ति करने वाले किसी भक्त को कोई दूसरा भक्ति करने वाला भक्त मिल जाता है
तो सब विष अमृत होए, तो सारा का सारा विष, विष रूपी दुर्वासनाएं जो है, विष रूपी जो दुर्गुण है, वो सारे के सारे अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं, सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। बच्चों आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हाथी अपनी मस्ती में चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो सेम वही कंडीशन, सेम वही परिस्थिति यहाँ पे कबीरदास जी ने बताई है। क्या बताया है कि हाथी, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ जाओ। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, उसे कहा है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठ जाओ। हाथी यहाँ पर क्यों लिया है बच्चों? क्योंकि हाथी जो होता है सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, और उसके ऊपर बैठने पर जो व्यक्ति है वो और ऊंचे पद को प्राप्त होता है। तो इसीलिए उसके ऊपर, मतलब जब हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं तो उस पर बैठने के बाद में जो नीचे की दुनिया है वो छोटी नजर आती है, मतलब आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेते हो वहां पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कवि ने ये बोला है कि ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ करके सहज दुलीचा डारी, सहज यानी स्वाभाविक तसल्ली, तसल्ली रूपी दुलीचा डाल करके, दुलीचा यानी गलीचा भी बोल सकते हो आप उसको, कालीन भी बोल सकते हो, या हाथी पर बिछाने के लिए जो एक छोटा वस्त्र काम में लिया जाता है वो होता है। ठीक है, तो आप दरी भी बोल सकते हो जिसके हाथी के ऊपर बैठने के लिए बिठाया बिछाया जाता है, वो भी बोल सकते हो। तो ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठ जाइए, क्या बिछाकर? सहज यानी स्वाभाविक गलीचा या स्वाभाविक दुलीचा डाल करके। स्वान रूप संसार है, ये संसार जो है स्वान रूप, यानी ये संसार जो है वो कुत्ते के रूप में है। क्यों है? भूखन दे झक मारी, क्योंकि आप कोई भी कार्य करोगे अच्छा या बुरा, ये संसार आपको भला बुरा जरूर कहेगा। अर्थात अगर आप गलत काम करोगे तो शायद कोई ना कहे, लेकिन आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपको टोकने वाले एक नहीं हजार लोग आएंगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वही कंडीशन, वही परिस्थिति यहाँ पर कवि ने बताई कि संसार क्या है, कुत्ते के रूप में है, स्वान के रूप में है, इसीलिए इसको भौंकने दो, झक मारने दो। आपको जब आप तसल्ली से ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठ करके गमन करेंगे, उनमें ध्यान लगाएंगे, तो आपको ये संसार जो बिना किसी बात के कुछ ना कुछ बोलता रहता है उनकी कुछ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आप कहाँ बैठे हो? हाथी रूपी, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर बैठे हो, तो आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी तल्लीनता से ज्ञान की ज्ञान को धारण कर सकोगे। ठीक है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष। कोई भी चीज होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, यानी एक तो उसके लिए सही होता है और दूसरे उसके लिए गलत होता है। तो सही और गलत के चक्कर में पड़ करके लोग, यानी जो लोग हैं, जो समाज है, जनता है, वो सारे जगत को भुला देती है। यानी वो अच्छा क्या है, गलत बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसी चक्कर में पड़ करके सारे संसार में जो होने वाले कार्य हैं परमात्मा जो है उसको भुला देते हैं, और ऐसी कंडीशन में उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती है। निरपक्ष होई के हरि भजे, कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो निष्पक्ष हो करके, यानी किसी चीज की परवाह न करते हुए केवल हरि का भजन करते हैं, सोई संत सुजान, वो ही सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति होते हैं। जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ के संसार को भुला देता है, ईश्वर को भुला देता है, ऐसे व्यक्ति संसार में निरर्थक है। वही व्यक्ति जो निष्पक्ष होकर के भगवान का स्मरण करता है, हरि का भजन करता है, वही व्यक्ति सज्जन आदमी, सज्जन पुरुष होते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जोधू के निकटी न जाई। अब यहाँ पर इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की जो धार्मिकता है उसके ऊपर कटाक्ष किया, उसके ऊपर व्यंग्य किया है। क्या कहा है कि हिंदू मुआ, मुआ यानी मर गया, हिंदू राम राम कह के मर जाते हैं, हिंदू जो है वो तो राम नाम का स्मरण करते करते मर जाते हैं, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कह कर करके मर जाते हैं। ठीक है, कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित होता है, वही व्यक्ति जीवता माना जाता है जो दो के निकट न जाई, जो दोनों के पास नहीं जाता, अर्थात ना तो वो हिंदू के राम के पास जाता है ना वो मुसलमान के रहीम के पास जाता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो इन दोनों को एक मान करके उसकी भक्ति करता है वही व्यक्ति संसार में जीवित माना गया है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, काबा फिरी का सी भया राम ही भया रहीम, मोट चून पैदा मैदा भया
बैठे कबीरा जीम। अब यहाँ पर काबा का मतलब है काबुल, काशी यानी काशी, ठीक है, कि काबुल जो है वो काशी हो गया, ठीक है। कहने का मतलब काबुल भी काशी के ही समान है, जहाँ काबुल में मुसलमानों की धार्मिक आस्था है, वैसे ही हमारे हिंदुओं की आस्था कहाँ पर है, काशी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर दास जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार काबुल में मुसलमानों को महत्व दिया जाता है, काशी में हिंदुओं को महत्व दिया जाता है। राम ही भया रहीम, वही राम, राम जो है वो रहीम है और रहीम जो है राम है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी पे जो इंसान है, जो मनुष्य जाति है, वो एक ही ईश्वर की संतान है, ऐसा कबीरदास जी का मानना था। मोट चून मैदा भया, कि जब हम बहुत सारे चून यानी बहुत सारे अनाज को मिला करके कोई चून बनाते हैं, तो वो सारा का सारा एक हो जाता है, आप उसमें से नहीं निकाल सकते कि कौन सा किसका है। जैसे हम सात अनाज की रोटी खाते हैं, जिसमें गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, चना, ये सब चीजें होती है। अगर आप इनको एक साथ मिला करके पिसवाते हो और उसको ला करके अगर आप घर में देखते हो, तो क्या आप उसमें से गेहूं के आटे को, चने के आटे को, ज्वार के आटे को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और इसी प्रकार का भोजन कौन करना चाहता है? यहाँ पर कबीर दास जी आराम से बैठ करके उसी प्रकार का भोजन करना चाहते हैं, अर्थात वो सभी को एक मानते हैं और सभी को एक साथ देख करके ही संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी करनी उच्च न होती है, अगर आप में अच्छे गुण नहीं है, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई मतलब नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी अगर सोने के कलश के अंदर मदिरा भरी हो, यहाँ पर बाह्य आवरण क्या है, स्वर्ण का है, सोने का है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, सुरा यानी शराब भरी हुई है, जो कि तुच्छ चीज मानी जाती है, साधु निंदा सोए, तो उस वर्ण बाहरी आवरण को देख कर लोभित होने वाले या ललचाने वाले व्यक्ति उसको देख करके ललचाते हैं, लेकिन अंदर मदिरा उसमें भरी हुई है, तो उस मदिरा को देख करके जो साधु लोग होते हैं वो उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। अर्थात जब व्यक्ति में सद्गुणों का जब तक व्यक्ति में सद्गुणों की उच्चता नहीं होती है, उसे सद्गुण नहीं आते उसमें, तब तक उसका ऊंचे कुल में जन्म से कोई मतलब नहीं है। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसकी करनी भी उच्चे होनी चाहिए, उसके गुण भी उच्चे होने चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार सोने के कलश के अंदर यदि मदिरा भरी हो, तो भी साधु लोग जो होते हैं उसको तुच्छ ही समझते हैं, उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक है। तो ये थी कबीरदास की साखियां। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के शब्द।